हे गाइस, हेड सॉल्यूशन पंकज अगेन। गाइस, 8 जुलाई को एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 29 लोग मर गए थे यमुना एक्सप्रेसवे पर। उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातचीत करूंगा। और रीज़न तो बताया कि ड्राइवर को नींद आ गई थी। तो ड्राइवर को नींद आ गई थी कैसे पता? मीडिया में स्टेटमेंट दिया था क्या उसने, या ऊपर से आके बताया था? गाइस, बात करेंगे ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की। जो यूपी से हैं उन्हें तो पता होगा, और जो शायद बाहर से हैं उन्होंने शायद ना सुना हो या ना पता हो। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। 302 किलोमीटर की एक सड़क है जो एकदम नई फ्रेश बनी हुई है, और टूल भी काफ़ी है इसका, और फर्स्ट क्लास सड़क है। स्पीड आप ले जा सकते हैं 150 उसके भी ऊपर। और मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है इसको। 2017 में पहली बार गया था, तब टोल वगैरह नहीं था, और अब तो टोल वगैरह सब कुछ चालू हो गया है। बढ़िया एक्सपीरियंस है। और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं शायद मेरे हिसाब से, या जो मैंने एक्सपीरियंस किए। सबसे पहले तो अगर बात करें कि पहला एक्सपीरियंस तो 2017 का था, तो उस समय टोल वगैरह नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफ़ी सारा काम भी वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन था, और टोल प्लाजा वगैरह भी बन रहे थे वहाँ पर। जब उस समय मैं सफ़र कर रहा था, तो उस समय करीब पहली बार ट्रेवल किया, तो करीब 40-50 जानवर मुझे मिले। गाइस, वो एक टाइम 50 जानवर बोले तो डेली के बहुत सारे मरे होंगे, मतलब बिना चढ़ाए ही काफ़ी जानवरों की बलि चढ़ गई वहाँ पर। जानवरों को क्या पता कि आपने सड़क बनाई है, सड़क की ओपनिंग करी है, अब मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और मुझे बहुत ख़राब लगा था उस समय। और भाई, मौत तो मौत होती है किसी की भी। उसके बाद करीब एक साल पहले की बात है, 17 जुलाई को मैं वृंदावन जा रहा था, नाइट की जर्नी थी। उसके बाद 2017 के बाद तो काफ़ी जर्नी किया उस पर बिहारी जी के लिए, बोले तो वृंदावन के लिए। लेकिन जो 17 जुलाई की मेरी जर्नी थी वो नाइट की थी, बाकी जितनी भी जर्नी किया था सब दिन की किया था। अच्छा, नाइट की जर्नी का सीन बोले तो नाइट में काफ़ी थोड़ा सुना हुआ भी था, और काफ़ी थोड़ा सा हम भी अवॉइड करते हैं नाइट की ड्राइविंग, लेकिन जाना पड़ा तो गए 5 लोग गाड़ी में, और करीब 12 बजे निकले। तो करीब 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने के बाद में लगभग 3 बज चुका था, 3:15-3:30 बज रहा था। अब 3:30-3:30 बजे जिस समय ये बस का एक्सीडेंट हुआ 29 लोग वाला, तो इसमें जो है 3:30-3:30 बजे, जो मेरे साथ कभी जीवन में हुआ नहीं, या तो ना तो मैंने ज़्यादातर सुना किसी का। और मैं दिन में अपनी गाड़ी से जब भी गया 150 की स्पीड में मैं रहा, और नाइट में मैं स्पीड मैंने कमी रखी 100 के आसपास, तो 100 की स्पीड में मेरा बोनट खुल गया। मतलब मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल वाला काम था, बट वो खुला। क्यों खुला, कैसे खुला भाई, कैसे खुल जाएगा? कभी नहीं खुला, उससे ज़्यादा की स्पीड में कभी नहीं खुला, तो उतने में कैसे खुल जाएगा? अब बिहारी जी की कृपा थी या क्या था, जो भी था सब कुछ था बढ़िया, बाबा ने बचाया बाल बाल। अब 100 की स्पीड में भाई कंट्रोल करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और आगे कोई भी गाड़ी होती तो उस पर भिड़ सकते थे, पीछे से कोई आती तो सीधे चढ़ा ही देती। अब शीशे के सामने बोनट, कुछ दिख तो था नहीं, बट बिहारी जी साथ में थे, और पता नहीं किसकी किस्मत से सभी लोग बचे। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था मेरे साथ वो। और उसके अलावा अगर बात करें तो फॉग वगैरह से काफ़ी वहाँ पे होता है, वो तो दिन में भी हो जाता है, लेकिन वो जो नाइट का एक्सपीरियंस है बहुत बुरा है। और ज़्यादातर अगर आप नेट पे एक बार थोड़ा सर्च मारो, तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट वगैरह होंगे वो सब नाइट के ही होंगे, दिन के बहुत कम होंगे। दिन के होंगे तो ये फॉग वगैरह से होंगे। इसको बस वाले एक्सीडेंट को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, शायद किसी को भी इससे बेनिफिट हो, एक भी पर्सन को हो, तो फिर मेरी
वीडियो बनाने का मतलब सॉल्व हो गया। सो गाइज, आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, आप भी शेयर करिए। बाय।